प्याज ले लिए दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे सूखा हुआ मछली भी मिल रहा है। सूखा हुआ मछली छोटा वाला मछली भी है वहाँ, एक किलो 100। तो ये सूख गया तो इसको कैसे खाइएगा? ऐसे ही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग कटक में हैं, गाड़ी खाली करके खड़ा है, और अपना देखिए खाना पीना भी गाड़ी में ही बन रहा है, अभी लगे हुए हैं दोनों गाड़ी का, अपना खाना एक साथ बन रहा है। अभी लोडिंग का बातचीत तो हुआ नहीं है, तो देखते हैं कहाँ का लोडिंग होगा, क्या होगा, क्लियर नहीं है अभी। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना बनाते हैं, खाना खा के फिर लोडिंग वोडिंग का बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का पटल का सब्जी बन रहा है, रोटी, यही आज का हम लोग का खाना है। अभी भूज रहे हैं ये वाला, यहाँ पर गाड़ी का पीछे बना रहे हैं डाला के अंदर, तो डब्बा के अंदर में बना रहे हैं। आज हम लोग यहीं बना रहे हैं, नीचे में बहुत हवा दे रहा है, यही चलते नहीं बना रहे हैं, यही ऊपर में बना रहे हैं। गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, वहाँ केबिन के अंदर में बना रहे तो गर्मी लग रहा है, नीचे बना रहे तो हवा लग रहा है, वही दिक्कत में नहीं बना रहे हैं, ऊपर में बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग रात भर जगे थे, तो रात भर जगे थे, 2-3 बजे तक जगे थे, तो यहाँ आके फैक्ट्री के अंदर आके सो गए। तो हम लोग 11 बजे दिन को उठे, तो 1 बजे खाली में लगाया गाड़ी। तो अभी हम लोग का खाना बन रहा है, 3:30 बज गया है, वही हम लोग का 3:30 बज गया है, अभी लेट हो गया आज करीब हम लोग का बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अभी रोटी तो बन गया है, खाली सब्जी बनने में टाइम है, अभी भुजा रहा है धीरे धीरे, अभी उसको भुजने के बाद बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी मसाला डाल रहे हैं, यही हम लोग अभी डाल रहे हैं, तो यही अभी हम लोग लेट हो गया आज काफ़ी ज़्यादा खाना बनाने में। दोस्तों अभी 3:30 बज गया है, और हम लोग चले खाना खाने के लिए, अपना खाना तो बन गया, हम लोग गाड़ी खाली करके तो सो गए थे हम लोग, तो अभी तो खाना बन के रेडी है, लड़का लोग बना लिए थे दोनों आदमी मिलके खाना। अभी गाड़ी में भी कुछ लोग बैठा हुआ, कुछ लोग भी यहाँ खा रहे हैं, अभी हमारा लोडिंग कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी खाना ना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं शाम तक क्या होता है, कहाँ का होता है। ठीक है, अभी खाना ना खाते हैं अभी। देखिए दोस्तों, हम लोगों को तो खाना पीना हो गया है, और अभी हम लोग रिसीविंग मिल गया है, तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, हम लोग को माल का ऑर्डर नहीं मिला है। अब जाते हैं आगे, रोड पर खड़ा होंगे, वहीं पर पूछताछ करेंगे, वहाँ से फिर देखेंगे माल कहाँ का मिल रहा है, फिर वहाँ से लोड करके निकलेंगे, तो यही टाइम पास हो रहा है अभी हम लोग का। देखिए दोस्तों, यहाँ का तो हम लोग सोचे हैं रायपुर का लोड करेंगे, रायपुर का लोड करने के बाद रायपुर का जहाँ जहीं का मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाने से भी माल मतलब चलना है। अभी दोस्तों देख सकते हैं, अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया है, और ये लोग तभी से लूडो खेल रहे थे, सामान सारा सरियाए नहीं थे, अभी सबको सही से रखना पड़ रहा है। अब यहाँ से अभी हम लोग को निकलना भी है जल्दी, इसको बंद करके पानी वानी भी अभी भरना पड़ेगा। अचानक मतलब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया, अभी तो इधर से देखिए लग रहा है इतना तेज़ बारिश आने वाला है। अभी देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग शाम हो चुका है, 6:30 बज गया है, और देखिए कितना बारिश हो रहा है, एकदम मौसम पूरा काला कर दिया है, और पूरा हवा चल रहा है, और पूरा गाड़ी हिल रहा है। यहाँ से हम लोग सोचे थे जाएंगे रोड तक, अभी रोड तक नहीं जा रहा है, क्योंकि हवा और पूरा बारिश चल रहा है। ये सब हल्का गाड़ी है ना, कंटेनर है, 6 चक्का, डर लगता है, अब पूरा गड्ढा गुड्डी है, थोड़ा रोड में गड्ढा गुड्डी है, यही चलते हम लोग नहीं निकल, पूरा बारिश और पूरा हवा चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो वही अभी हम लोग खड़ा है यहीं पे, बारिश छूटेगा, हवा थोड़ा कम होगा, तब यहाँ से निकलेंगे, रोड पे जाएंगे, उसके बाद माल का ऑर्डर देखेंगे क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो नेपाल से साथे में चल रहे हैं, 2 गाड़ी हम लोग का कंपनी का, अब तो अलग अलग जगह का माल मिल रहा है, कहीं हम लोग बिछड़ जाएंगे, कहीं रायपुर जा रहा है तो कोई जाएगा देवघर, जाएगा देवघर उड़ीसा वाला देवघर, तो वहाँ का किसी को माल मिल रहा है, किसी को रायपुर का, तो बिछड़ जाएंगे हम लोग, क्या हम लोग तो नेपाल से साथ में है और साथ में आ रहे हैं, तो अब बिछड़ जाएंगे, अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं फिर से हम लोग। अभी दोस्तों पता चला, जो पीछे वाला गाड़ी है वो एकदम मतलब गाड़ी हम लोग का धीरे धीरे घिसक गया है, और पीछे सटने वाला है दूसरे गाड़ी से, तो अभी रोहित गाड़ी को थोड़ा आगे करेगा, थोड़ा दोस्तों गाड़ी को आगे करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे सट जाएंगे हम लोग पीछे वाले गाड़ी से, एकदम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत तेज बारिश आ रहा, हवा आ गया ना इतना ज़्यादा, अभी हवा बना रहा है गाड़ी को, थोड़ा चलाने के लिए हवा बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद ही हिलेगा, बस देखना ज़्यादा साइड में मत काट देना, नहीं तो मिट्टी धंस जाएगा, बस थोड़ा ही पीछे करना था। ठीक है,
दोस्तों अभी तो हम लोग निकल गए हैं कटक से और जा रहे हैं अंगुल। अंगुल का अंगुल में वही एक जिंदल प्लांट है, उसी के बगल से कहीं से लोडिंग है। तो अपना बात तो हो गया, लोडिंग तो एक ही, लेकिन एक ही गाड़ी हुआ है। अभी एक गाड़ी कल कंफर्म करेगा वो। तो अभी हमको कटक से अंगुल करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, तो हमको चलो बारिश का मौसम है थोड़ा सफ़र काट लेते हैं। कल हो सकता है वो भी वहीं आ जाए, या नहीं होगा तो कहीं और से होगा, तो हम फिर साथ में हो लेंगे हम लोग। और इतना आज हवा और पानी चला कि पूरा गाड़ी, वहाँ तो कच्चा मिट्टी था तो वहाँ दिक्कत हो रहा था गाड़ी खड़ा करने में, मिट्टी भसक रहा था। तो फिर क्या कि गाड़ी को आगे बढ़वाना पड़ गया कि भाई ट्रेबल ना आ जाए, वहाँ धस सकता था वहाँ पे। और बक्सा गाड़ी है ना, इसमें हवा पास होने की जगह नहीं मिलता है, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिलता है। बहुत ही तेज मतलब आज थोड़ा हवा पानी चला आज। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पहले अंगुल पहुँचते हैं और कल देखते हैं लोड करते हैं। रायपुर का ही लोड हो रहा है मेरा, और रायपुर से ही फिर कहीं देखेंगे माल लागे का। दोस्तों हमारा आज दूसरा दिन है और हम लोग करीब अंगुल से 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम लोग दूर आ गए हैं। तो पार्टी जहाँ पे बुलाया था तो वहीं पे खड़े हैं, बोला था कि यहाँ पे इंडियन पंप है, यहीं पे आके रुकिएगा। तो रात में ही आके सो गए थे हम लोग। तो अभी सुबह फ़ोन आया था पार्टी का, बोला कि हम आ रहे हैं, तो आएगा तो लेकर के जाएगा कहीं लोडिंग में। मतलब दो तीन जगह से लोडिंग है, घूम घूम के लोड करना। अब क्या माल है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों मेरा तो देखते हैं कि हम पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ कैसा जगह है कैसा नहीं, तो हम माइंड में रखते नहीं कि पानी मिलेगा ही। तो देखिए रोहित को भेज दे रहे हैं पानी लेकर के, अपना सब तैयारी रखेगा, अपना समय मिलेगा तो वहाँ खाना पीना बनेगा या जो भी होगा, बरस वगैरह भी करेंगे सब। तो ठीक है दोस्तों, अभी पार्टी का भी इंतजार कर रहे हैं, पानी उनी भी डाल कर रख रहे हैं अभी गाड़ी में। तो दोस्तों अभी पानी भर रहे हैं हम लोग, पानी भर लेंगे उसके बाद हम लोग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा गाड़ी का। मतलब पानी उनी का कहीं का भरना नहीं पड़ेगा, खाना पीना बनाने के लिए हम लोग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग पानी भर रहे हैं, पानी भर के गाड़ी में चलेंगे, उसके बाद नाश्ता किए नाश्ता करेंगे उसके बाद। तो ऐसे ही हम लोग का पेट्रोल पम्प में इंडियन ऑयल भारत जहाँ भी पानी हम लोग पंपे में मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों अभी दोनों बाल्टी में पानी भर के रख ली है, अभी जा रहे थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए। तो ये चाउमीन लिए थे, ये मैगी है, मैगी लिए थे वहाँ नेपाल में, तो ये बच गया था तो सोच रहा आज यही नाश्ता बना लेते हैं। अभी और भी बचा हुआ है, एक डब्बा पूरा हम लोग ले लिए थे, तो नाश्ता आज हमारा यही बनेगा। तो जा रहे बनाने के लिए, प्याज काट लिए, मिर्चा भी है दोस्तों, मिर्चा देखे नहीं थे, मिर्चा काटना पड़ेगा अभी पहले। दोस्तों अभी नाश्ता बना ही रहे थे कि अभी वो आ गए आदमी जो साथ में ले आएंगे हम लोग को, तो बोल रहे पहले कांटा कर ले, तो अब ये बाद में बनाएंगे, अभी इसको रख देते हैं, कांटा करने के बाद अब कुछ नाश्ता बनाएंगे। गाड़ी घुमाना भेजाना। दोस्तों अभी कांटा के पास आ गए हैं, कांटा कराने के लिए पार्टी आया था, लेके आया है। और देखिए कांटा में ये चीज़ देखा जा रहा पहली बार कि स्कूटर कोयला सब लोड कांटा हो रहा है यहाँ पे। देख हमको लगता है कि एक टन लगभग माल होना चाहिए उसमें, लगता है स्कूटर पे एक टन माल होगा। पुराना मॉडल स्कूटर है फिर भी कितना मजबूत है। कांटा में दोस्तों गाड़ी को खड़ा कर दिए, देखिए वजन हो रहा है अभी यहीं पे। दोस्तों खाली गाड़ी तो हो गया कांटा अपना, जो खाली गाड़ी अपना आता है 9 टन 200-300 वही आया है अभी। अभी तो टंकी में तेल भी नहीं है तो थोड़ा कम ही आया है। अब देखते हैं कहाँ बोलता है ये, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। तो आदमी है साथ में, बाइक लेके आया है, उसके पीछे भी चल रहे, जहाँ बोलेगा वहाँ जाकर लगा देंगे फिर। दोस्तों अभी देख सकते हैं गाड़ी अपना लोडिंग पॉइंट में लग गया है, तो यही लोड हो रहा है। ये मतलब ये रद्दी वाला है, ये सारा अभी लोड होगा, उसके बाद ये सारा रायपुर जाएगा और फिर वहीं पे माल खाली होगा अपना। तो पता नहीं ये मतलब क्या, ये अब इसका यूज़ क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन यही लोड हो रहा है अभी अपने गाड़ी में। दोस्तों अभी देख सकते हैं रोहित बस आम चुन रहा है, यहाँ पे कितना आम गिरा हुआ है, सारा आम है, आम का पेड़ है ना दोनों, ये और उधर भी मतलब चारों पाँचों आम का पेड़ है। तो वही आम सारा चुन रहा है नीचे गिरा हुआ, चढ़ के भी तोड़ सकता है। नहीं चढ़ेगा नहीं दोस्तों, देख बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, पूरा लगा हुआ है, सारा पक गया है, पूरा बिछा हुआ आम देखिए, पूरा गिरा हुआ है। अब यही आम चुन रहा है सारा, देखिए कितना आम गिरा हुआ है। दोस्तों गाड़ी तो पॉइंट पे लगा दिए हैं लोडिंग का, और यहाँ देख रहे हैं आम बगान बहुत है। कल लगता है बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी चला है, पानी भी गिरा है, तो बहुत सा आम गिरा हुआ था। अभी खा रहे बहुत मीठा लग रहा है, मैंने इस साल का पहला आम का स्टार्टिंग मेरा हो गया है। और ये देखिए वो भी पेड़ का डायरेक्ट, खरीदा हुआ नहीं, डायरेक्ट पेड़ का।
बहुत मीठा आम है। दोस्तों गाड़ी तो लोडिंग में लगा दिए हैं, तो गाड़ी तो अपना लोड हो रहा है, तो अपना गाड़ी में सब्जी नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी के साथ में बनाते थे तो ले आते थे एक ही बार में, एक ही बार बना खत्म हो जाता था। तो यहाँ बताया है पार्टी की, यहाँ बाजार बगल में बाजार लगा हुआ रहता है, तो बाइक दिया है वो, बोला जाइए जाकर सब्जी लेकर आ जाइए, तब तक लोड भी होगा तो कुछ खाना भी बन जाएगा। तो देखते हैं बाजार में क्या सब्जी मिलता है, लेके आते हैं। दोस्तों अभी मार्केट में आ गए हैं, अब जा रहे सब्जी लेने के लिए, ज़्यादा थोड़ा बहुत हरा सब्जी ही लेना, बाकी तो आलू वालू था, प्याज भी खत्म हो गया गाड़ी में, प्याज भी लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गांव में ये थोड़ा बाजार लगा हुआ है, अब जा रहे सब्जी लेने। सब्जी तो दोस्तों अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए प्याज मिल रहा है, प्याज ले लेते पहले। कैसे रुपये किलो बोले? 20 रुपया है पूरी। प्याज ले लिए दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे सूखा हुआ मछली भी मिल रहा है, सूखा हुआ मछली, छोटा वाला मछली भी है वहाँ, 1 किलो 100। तो ये सूख गया तो इसको कैसे खाइएगा? ऐसे ही डाल के तेल में। देखो कौन मछली है, कौन मछली है वो वाला? 40। चलो आप इधर, पूरा वही मिल रहा है। दोस्तों अभी सब्जी ले लिए, थोड़ा कम ही मिला, ज़्यादा उतना अच्छा तो नहीं मिला, पर जितना मिलना था ले लिए। अब निकलते हम लोग यहाँ से। दोस्तों सब्जी तो लेके आ गए, और जो चाउमीन बनाने वाले थे वो अभी कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। तो पापा भी भुंजिया काट रहे हैं, और देखिए ये रोहित उतने बीच में कितना आम तोड़ लिया, कम से कम 2-3 किलो है ना? हाँ 2-3 किलो 2-3 किलो आम एकदम ले लिया है। खाया कितना है उसमें? खाए हैं एक दो। 1 किलो तो खा गया होगा ये तो पक्का है, क्योंकि चेक करता फिर खाता है आम। लेकिन जितना आम का पेड़ है बहुत अच्छा मीठा लग रहा है, हम भी हर पेड़ का आम जो गिरा हुआ उठा खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा ही सब आम है एकदम। अभी देखिएगा रास्ता में बहुत जगह आम बेचते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इधर आंधी पानी चालू हो गया तो आम झड़ जा रहा है, तो लोगों को देख रहे रोड साइड में लेकर बेच रहा है, बहुत अच्छा आम है यहाँ, बहुत सा गिरा हुआ आम, कोई खाने वाला नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम कोई सब्जी तो मिला नहीं ढंग का वैसा, तो हो सकता है हम लोग लेट गए हैं सब्जी बाजार में, सुबह सुबह लगता होगा, तो आलू ले आए, तो आलू का ही सब्जी आज बनाते हैं, आलू और चावल। दोस्तों अभी खाना बनाने जा ही रहे थे, तब तक फिर वहाँ से थोड़ा माल था, थोड़ा दूसरी जगह माल है, तो दूसरी जगह आए हुए लोडिंग के लिए। तो दोस्तों अभी क्या, ये खाना बनाना भी पड़ेगा ना, टाइम काफ़ी होने चला। तो दोस्तों अगला ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, जो खाना बनने के बाद लोडिंग के कहाँ का लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको अगला ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि कायम गाड़ी आगे पीछे करना पड़ता, तो खाना ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जान पे कहते गैस है, पकड़ना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।